हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और ये जो है विलियम शेक्सपियर पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सारा ये एज ए कलेक्शन मैं आपको आज कंप्लीट दे दूंगी। आई थिंक कि 90-95 क्वेश्चंस हैं विलियम शेक्सपियर के, और वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सिर्फ पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चंस नहीं है, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ इंग्लिश लिटरेचर एज ए जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आता है वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। और ये एक कलेक्शन है, अगर आप बोलोगे तो मैं अगले वीडियो में इस किताब का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, और आप चाहें तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑन सीइंग हुम मिरिंडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली दैट इज़ अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट्स लुक अबाउट। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में दिया था आपको। एक्चुअली नोट्स देने का वो मतलब है कि बहुत एफ़र्ट लगता है, और फिर जब एफ़र्ट बहुत लगता है और फिर उसका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आता तो फिर वो मेहनत लगता है कि कोई मतलब नहीं है उतनी मेहनत करने का। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो इस वजह से जो भी है वो ये बुक में आपको मैं करा दूंगी। जितनी बुक्स में आपको नोट्स मिलेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर के जितने बुक्स में आपको मटेरियल देने चाहिए वो सारी मैं आपको यहाँ करा दूंगी। बट अपना पर्सनल नोट्स आई डोंट थिंक सो कि आई विल डू दैट मच एफर्ट, क्योंकि वो बहुत एफर्ट टेकिंग टास्क होता है और फिर उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सो दैट्स वाई, सो हम किताब ही देख लेंगे, जितने क्वेश्चंस हैं बुक्स में वो आपको मैं करा दूंगी, ठीक है। तो ये है कि तो ये पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि ये जो है ये मिरिंडा की स्पीच है, और मिरिंडा जो है टेम्पेस्ट की मेन लीड है, मतलब लीड कहा जाए हीरोइन या शेक्सपियर की हीरोइन है टेम्पेस्ट में। और वो एक्चुअली इस ये स्टेटमेंट के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मिरिंडा वॉज लाइक, मतलब वो एक ऐसी लेडी है जो आज तक अब जिस आइलैंड पे वो रह रहे हैं उसके और उसके फादर के अलावा उसने किसी ह्यूमन से कोई इंटरेक्शन नहीं किया है। तो उसको लगता है कि इस अर्थ पे ह्यूमंस हैं ही नहीं, मतलब हम ही दो लोग हैं, उसके दिमाग में इस तरीके के ख्याल हैं। बिकॉज वो अब जब से वो बड़ी हुई है वो किसी और को देखा ही नहीं है, उसने अपने फादर को देखा है, खुद को देखा है। एक स्पिरिट है दैट इज़ एरियल, और एक जो है वो हाफ मैन हाफ बीस्ट जैसा कैरेक्टर है। तो जब वो फर्डिनेंड को फर्स्ट ऑफ ऑल देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ओ गॉड, ये एक स्पिरिट ही है, ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये ह्यूमन है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट उसका निकल के आता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें पूछ रहा है, आपके पास इस तरीके के स्टेटमेंट होंगे डिफरेंट प्ले से, और फिर उसमें से आपको पूछेगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो पहला है कि वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन, तो ये मैंने आपको कराया हुआ है, ये टेम्पेस्ट की ही स्पीच है। और ये जो है आई थिंक सो कि उसके फादर की है, मिरिंडा के फादर की ये स्पीच है। तो हाँ, अब है कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये डेफिनेटली मैकबेथ की स्पीच है, बिल्कुल एकदम कोई डाउट नहीं है। इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये ट्वेल्थ नाइट की स्पीच है, ये भी करेक्ट है। जो लास्ट वाला है, सम आर बॉर्न ग्रेट अदर अचीव ग्रेटनेस, ये रिचर्ड टू की स्पीच नहीं है, ये एक्चुअली मेलवोलियो की स्पीच है ट्वेल्थ नाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो लास्ट वाला करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन थ्री, द रिचर्ड टू हु इन रिचर्ड टू kills Richard when he hears of Henry's coronation, तो इसमें पूछ रहा है किसने रिचर्ड टू को मार दिया जब उसको हेनरी टू के, मतलब हेनरी के coronation के बारे में पता चलता है। तो इसमें होगा पियर्स एग्जिटन, उसने मारा था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर फोर, हुज स्पीच इज दिस, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, ये मैकबेथ की स्पीच है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है, मैकबेथ है, मैकडफ है, बैंको है, डंकन है, तो ये मैकबेथ की स्पीच है। और मैकबेथ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है शेक्सपियर का, और ये एक ट्रेजिडी है,
ठीक है, और इसमें जो हीरो हैं वो मैकबेथ है, और जो इसकी फीमेल कैरेक्टर लीड में है वो है लेडी मैकबेथ। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये भी टेम्पेस्ट से, इसको मैंने कराया है। इन इन द टेम्पेस्ट विच वॉट आर मेरिंडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन अ फाइनल सीन। तो इसमें पूछ रहा है कि जो टेम्पेस्ट है उसमें लास्ट सीन में मेरिंडा और फर्डिनेंड क्या करते हैं, तो इसमें वो लोग चेस खेल रहे हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो, ठीक है, शेक्सपियर को किसने अपस्टार्ट क्रो कहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज़ किया था शेक्सपियर को, और उन्होंने कहा था कि ये कहते हुए अटैक किया था अपने ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट में कि ही इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये रॉबर्ट ग्रीन का है। Who among the heroes of Shakespearean play has been described as melancholic and neurotic having Oedipus complex? तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा हीरो है, कैरेक्टर है शेक्सपियर का, शेक्सपियर के प्ले में, जो कि melancholic भी है और थोड़ा सा neurotic है, और जिसके पास Oedipus complex की प्रॉब्लम है जिसके साथ। तो ये हैमलेट है एक्चुअली, क्योंकि हैमलेट जो है उसका जो कैरेक्टर आप उसको देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है हैमलेट का बेसिकली, और उसके साथ ये समस्या है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि अपने जब लड़के अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, या उनकी तरफ उनका ज़्यादा आकर्षण होता है, तो उसको जो है कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये एक साइको एनालिटिक थियोरी है, और डीएच लॉरेंस ने इसको बहुत ही ब्रॉडली कवर किया है अपने सन्स एंड द लवर्स नॉवल में। इस कॉम्प्लेक्स को उन्होंने डिटेल्ड में उसको यूज़ किया है। तो यस, ये इस तरीके का है कि बॉयज़ डिज़ायर टू सेक्शुअली पोजेस हिज मदर, ठीक है, इस तरीके का जब डिज़ायर आता है बॉयज़ में तो उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेसिकली। ये एक मिथ था, मतलब एक स्टोरी है इसके पीछे बहुत बड़ी, खैर वो बाद में उस पर देखेंगे कभी अगर इस तरीके का आएगा तो, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि इस तरीके का है, और हैमलेट में ये सारे उन्होंने इन सब चीज़ों को मेंशन किया है शेक्सपियर ने, उसके कैरेक्टर को जब उन्होंने पेंट किया है शेक्सपियर ने, तो ये सारी चीज़ें हैमलेट के साथ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहे हैं। तो ये है हैमलेट में, ठीक है, ये UPSC पॉलीटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, और ये जो है ये हैमलेट का फ्रेज है, मोनोलॉग है बाय प्रिंस हैमलेट, और रोज़ेनक्रांट्ज एंड गाइल्डस्टर्न से वो बोलता है हैमलेट एक्ट 2 सीन 2 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स एंड इन, ठीक है, जो लेटर ऑन जो लेट प्लेज हैं शेक्सपियर के वो किससे ख़त्म होते हैं, तो दैट इज़ हारमनी। माफ़ करिएगा फॉर स्नोरिंग, मेरा डॉग है वो सो रहा है, तो आई एम सो सॉरी कि स्नोरिंग की साउंड आपको आ रही होगी। सो तो जो लेट प्लेज हैं शेक्सपियर के वो जो हैं वो बेसिकली हारमनी को डिनोट करते हैं। जैसे द लेट प्लेज में कौन कौन से हैं शेक्सपियर के, जिसमें आपका कैम्बलिन हो गया, टेम्पेस्ट हो गया, विंटर टेल्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे प्लेज के जो एंड होते हैं उसमें हारमनी आपको देखने को मिलेगा। तो यस, हारमनी की थीम जो है प्रोमिनेंट है शेक्सपियर के लेटर प्लेज में। फिर हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड्स एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो ये किस वक्त किसकी, मतलब ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये पोलोनियस का है इन हैमलेट, और ये स्टेटमेंट पोलोनियस एज ए काउंसलर ऑफ किंग, मतलब काउंसलर है किंग का, और ये वो बोलता है क्लॉडियस से, ठीक है, एक्ट 1 3 सीन 3 में, ठीक है। तो ये ही इज़ बाइडिंग फेयरवेल टू हिज सन लेटरियस, एंड जो कि डेनमार्क के लिए जा रहा है, और इस तरीके का मतलब ये स्टेटमेंट है, ये हैमलेट से लिया गया है। फिर द कैरेक्टर जूलिया
अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर. तो आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग देखिए. क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कैरेक्टर, हर एक प्ले के एटलीस्ट कैरेक्टर के नाम आपको पता होने चाहिए. कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. जितने भी प्लेज हैं शेक्सपियर के, कम से कम जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको आपको दिमाग में होना चाहिए. जैसे जो जूलिया का कैरेक्टर है, ये आपको द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आपको मिलेगा, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका. तो ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये एक अर्ली प्ले है शेक्सपियर का, 5 एक्ट का है, और ये बहुत ही अच्छा प्ले है ये, जो कि फ्रेंडशिप को और इनफिडेलिटी को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव, और फूलिश बिहेवियर ऑफ द पीपल हु इज़ इन लव, तो इस तरीके के थीम को ये डिनोट करता है. और जब इसको आप पढ़ोगे तो ये प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. ये अलेक्जेंडर पोप से ले लिया गया है. एरियल का कैरेक्टर है सुपरनेचुरल, और वो पूछ रहा है कि रेप ऑफ द लॉक में जो अलेक्जेंडर पोप ने एरियल को यूज़ किया है सुपरनेचुरल एजेंसी के रूप में, वो किस तरीके की एजेंसी है. अर्थ की है, फायर की है, वाटर की है, एयर की है. तो बेसिकली एयर, ठीक है, वो एयर का ही निम्फ है, मतलब एयर पोजेस करता है, सुपरनेचुरल एजेंसी ऑफ एयर है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट माइट द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेस टाइम इन शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई सिंथ एंड दी. तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो टाइम है उसमें उसका क्या मतलब हुआ, ठीक है. तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बी. बी क्या है, विद टाइम कम चेंजेस, एंड डी टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, ठीक है. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द स्पीकर माइट मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन शेक्सपियरियन सोनेट. इसमें ये बोल रहे हैं कि स्पीकर का मतलब होता है जब वो शेक्सपियरियन सोनेट में टाइम को एड्रेस करता है कि आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई सिंथ. मतलब कहने का मतलब कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंजेस लेकर आती है, और साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ जो है वो टाइम के साथ ख़त्म होता जाता है. तो ये चीज़ जो है डिनोट करता है. और ये जो लाइन है आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई सिंथ एंड दी, ये जो है स्किंथ एंड दी, ये जो है ये सोनेट 123 से लिया गया है शेक्सपियर की. और इसी बारे में ये टाइम इसमें पूछ रहा है, ठीक है. व्हाट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है जेस्टर, ठीक है. देखिए ये भी कैरेक्टर से क्वेश्चन है, पुअर योरिक. तो ये कैरेक्टर कम से कम आप कैरेक्टर सारे देख के ही जाइएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एस्से लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल. तो ये इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज ऑरवेल. लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल इज एन एस्से बाय जॉर्ज ऑरवेल. इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ क्रिटिकल एस्से ऑन शेक्सपियर बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पॉलेमिक मार्च 1947. इन दिस एस्से ऑरवेल एनालाइजेस टॉल्स्टॉयज क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स वर्क इन जनरल एंड हिज अटैक ऑन किंग लियर इन पर्टिकुलर. तो लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल ये जॉर्ज ऑरवेल का एस्से है, और इसमें इन्होंने बेसिकली लियर के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया है या उस पर कुछ अपनी टिप्पणी दी है. फिर विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर द लाइन. अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर है जो कि ये स्टेटमेंट हैमलेट में बोलता है. समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ठीक है. कुछ न कुछ जो है गड़बड़ है स्टेट ऑफ डेनमार्क में. ये स्टेटमेंट किसका है? तो हैमलेट में ये स्टेटमेंट जो है मार्सिलस का है, ठीक है. समथिंग इज रोटन इन द स्टेट
ऑफ डेनमार्क. दिस लाइन इज स्पोकन बाय मार्सेलस इन एक्ट 1 सीन 4 एज ही एंड होरेशियो इज डिबेटिंग वेदर और नॉट टू फॉलो हैमलेट एंड द घोस्ट इनटू द डार्क नाइट. जब वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो घोस्ट है हैमलेट जो देख रहा है उसको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट निकल के आता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय, किसने लिखा है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. ठीक है, ये है विलियम हैजलिट की प्ले. ठीक है, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ये जो है 1817 में ये बुक आई थी और ये क्रिटिसिज्म है ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जो कि रिटन बाय विलियम हैजलिट, इंग्लिश एसेस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं. और इस पे इन्होंने जो शेक्सपियर्स के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ड्रामा में उस पर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, उस पर क्रिटिसिज्म है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट हिज प्ले वर ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द वर्क और एसे. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से नोटोरियस क्रिटिक हैं शेक्सपियर के जो कि ऐसा मानते हैं कि जो शेक्सपियर का प्ले है वो ट्रिवियल है और पॉजिटिवली बैड है, और उस एसे का नाम भी बताइए जिसमें ये बात उन्होंने कही है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा. ठीक है, तो इन द एसे पब्लिश्ड एज ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा इन 1906, ये जो प्ले कब आया, मतलब ये जो एस्से है ये कब आया है लियो टॉल्स्टॉय का, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा 1906 में आया है. टॉल्स्टॉय कहते हैं कि शेक्सपियर्स प्लेज ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड लेबल्ड हिज इंड्योरिंग पॉपुलैरिटी प्रिनिशियस एंड डिसमिस्ड शेक्सपियर हिमसेल्फ एज इनसिग्निफिकेंट इन आर्टिस्टिक राइटर who was not only moral but immoral. ठीक है, he also mentioned reading King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth. तो आपको ये डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर्स प्ले इनवर्टेड कॉमा में ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड, ये किसका स्टेटमेंट है. तो ये लियो टॉल्स्टॉय का स्टेटमेंट है. और किस एस्से में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, और ये जो एस्से है ये कब आया है, 1906 में आया है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एस्से ऑन, ठीक है, जी विल्सन नाइट का जो द व्हील ऑफ फायर है वो एस्से कलेक्शन है किसका, तो इसका है शेक्सपियर्स के प्ले का. ठीक है, अब जी विल्सन नाइट का पूरा नाम जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, ठीक है, ही वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड एकेडमिक नोन पर्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथिक कंटेंट इन लिटरेचर एंड द व्हील ऑफ फायर जो कि आई थी 1949 में, अ कलेक्शन ऑफ द एस्से ऑन शेक्सपियर्स प्ले. ठीक है, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर एंड थिएट्रिकल डायरेक्टर एंड कंसिडर्ड एन आउटस्टैंडिंग लेक्चरर. ठीक है, तो ये आपके मतलब ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 आर मतलब राजस्थान पीसीएस से ये क्वेश्चन लिया गया है. विच कमेंटेटर कॉल शेक्सपियर्स हैमलेट एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन बट मीन्स. ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस कमेंटेटर ने शेक्सपियर की जो हैमलेट थी उसके बारे में बोला है इट इज़ एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट द मीन्स. ठीक है, मीन, तो इसका करेक्ट आंसर है अब्राहम राइट. ठीक है, अब्राहम राइट पुट इट इन द 1630s. हैमलेट वॉज एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन बट मीन द स्टोरी ऑफ डेथ एंड इंट्रीग एट द डेनिश कोर्ट वॉज नॉट न्यू एज विद नियरली ऑल द शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट वॉज अडेप्टेड फ्रॉम अदर सोर्स. ठीक है, तो अब्राहम राइट ने ये लिखा है. ठीक, अब 21, क्वेश्चन नंबर 21. ए सी ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ, कितने लेक्चर हैं. ठीक है, ए सी ब्रैडले
का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, एंड्रयू सिसिली ब्रैडले। तो इनका जो वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इसमें कुल मिला के 10 लेक्चर्स हैं, ठीक है, इट कंसिस्ट 10 लेक्चर। और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये वर्क जो है ये आया था 1904 में, ठीक है। और एसी ब्रैडले हैज़ प्रोवाइडेड अ स्टडी ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, कौन कौन सी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, विच रिवील्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेक्सपियरियंस थॉट एंड आर्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर इन, किस में, किस प्ले में अपीयर हुआ है आर्डन, तो ये अपीयर हुआ है एज यू लाइक इट, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर इन द फेमस पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1599, ठीक है, 1599 में इसको लिखा गया था। द फर्स्ट पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो इन 1623 in As You Like It, the Forest of Arden represent the country life and an escape from the corruption, while the तो ये जो Forest of Arden है ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, As You Like It इस प्ले में मिलेगा। और ये जो है 1599 में ये प्ले जो है लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था कब, 1623 में। अब क्वेश्चन नंबर 23, Who authored the long essay commenting on the Potter scene in Macbeth? तो Potter scene जो है Macbeth का, उस पर किसने commenting किया है एक long essay के रूप में, ठीक है, ये question है। तो इसमें जो इसका जो correct answer है वो है Thomas De Quincey, ठीक है। Thomas De Quincey या Thomas De Quincey ने इसको लिखा है, मतलब ये essay लिखा है, और उस essay का क्या नाम है, On the knocking at the gate in Macbeth, ठीक है, ये essay है। Is an essay in Shakespearean criticism by an English author, Thomas De Quincey, first published in October 1823, edition of London Magazine. London Magazine में आया था, ठीक है। दो brief less than 2000 word in length, इसकी जो मतलब length है वो 2000 word की ही है, और एक ये finest single critical piece माना जाता है De Quincey का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम, ठीक है, किसने ये कहा है कि द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स जो है वो ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम है, ठीक है। अब ये जो है ये विल्सन नाइट की स्टेटमेंट है। विल्सन नाइट वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड एकेडमिक नोन पर्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथिक कंटेंट इन लिटरेचर, ठीक है। व्हील ऑफ द फायर है उनका कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स के प्ले का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लिटरस ट्रैप फॉर हैमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम, ठीक है। तो वो है कि वो पॉइजन्ड डैगर होता है उससे वो हार्म करता है। तो क्लॉडियस एंड लेटरस जो है वो ये प्लान करते हैं कि वो पॉइजन्ड डैगर से उसको तलवार से या खंजर कह लीजिए उससे वो हार्म करेंगे, मतलब कट करेंगे हैमलेट को, और वो फिर उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो होता भी वही है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 25, तो पॉइजन ड्रैगर, ठीक है, डैगर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 26, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रिफर्स, किस फेस्टिवल के ऊपर ट्वेल्थ नाइट का टाइटल पड़ा है या रिफर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एपिफेनी। द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट रिफर टू ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस का। ऑल्सो रिफर्ड टू एज The Eve of Epiphany, a day that commemorate the visit of the Magi to the baby Jesus, and is often celebrated with a temporary suspension of rules and social orders. ठीक है, तो वो Epiphany है, ठीक है। अब question number 27, who of the following was not a predecessor of William Shakespeare? अब इसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें से William Shakespeare के predecessors कौन नहीं हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Thomas Lodge was not a predecessor of William Shakespeare, ठीक है। The principal of predecessors of Shakespeare in the history of English drama were the university wits,
एज देवर कॉल्ड द मोस्ट नोटेबल ऑफ देयर आर, मतलब कौन कौन थे यूनिवर्सिटी विट्स में, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, पेले, लिली, थॉमस किड एंड बेन जॉनसन. Thomas Lodge was an English writer and author during the Elizabethan and Jacobean period. ठीक है, वो later या कह लें कि contemporary कह लो या later on कह लो, ठीक है, contemporary basically होंगे. फिर who among the following critics stated about Shakespeare that he was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. ठीक है, ये क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है ड्राइडन. द एबव स्टेटमेंट, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल इज स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर बाय जॉन ड्राइडन इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी. तो ये जो स्टेटमेंट है ये शेक्सपियर के बारे में ड्राइडन ने कहा था, और किस में कहा था, अपने एसे, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में, जिसको उन्होंने लिखा कब था, मतलब लिखा कहा जाए या पब्लिश था 1668 में. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन. कौन सा शेक्सपियरियन कैरेक्टर जो है इस इन लाइन को बोला है. ठीक है, लाइन क्या है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट शर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर. इट इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये आपका आपसे क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर बी. बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, मैकबेथ. ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये जो लाइन है ये किसने बोला है, ये मैकबेथ ने बोला है, स्पोकन बाई कैरेक्टर मैकबेथ इन प्ले मैकबेथ बाई शेक्सपियर, मतलब जो मैकबेथ है, और ये एक पिवोटल स्पीच है जिसमें थिएटर इमेजरी एंड मेटाफोरिकली वो कंपेयर कर रहा है लाइफ टू द प्ले ऑन द स्टेज. ठीक है, मैकबेथ जो है इन इस स्टेटमेंट में ह्यूमन की लाइफ को जो स्टेज पे प्ले होता है उससे कंपेयर करता है. ठीक है, ये इसका कुल कहने का मतलब है. अब होता है क्वेश्चन नंबर 30, Who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? Macbeth में किसने ये लाइन बोली है? Me thought, I heard a voice cry, sleep no more. Macbeth does murder sleep, the innocent sleep. ये किसकी स्पीच है? ये मैकबेथ की स्पीच है. दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाई मैकबेथ इन द प्ले आफ्टर कमिटिंग द मर्डर ऑफ डंकन. डंकन को मारने के बाद ये स्टेटमेंट देता है मैकबेथ. क्या बोलता है? मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप डज मर्डरर स्लीप द इनोसेंट स्लीप. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस. कौन सा इसमें वर्क एक पेस्टोरल रोमांस है, वो है एज यू लाइक इट. ठीक है, पेस्टोरल का क्या मतलब होता है? पेस्टोरल मीन डीलिंग विद द शेफर्ड और रूरल लाइफ इन यूजुअली आर्टिफिशियल मैनर टिपिकली ड्रॉइंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इनोसेंस एंड सेरेनिटी ऑफ सिंपल लाइफ एंड द मिजरी एंड करप्शन ऑफ सिटी एंड स्पेशली कोर्ट लाइफ. तो कुल मिला के पेस्टोरल लाइफ का मतलब थोड़ा रूरल लाइफ. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन में कौन सा है? द मैरी वाइव्स. ठीक है, द मैरी वाइव्स, ये द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1602 दो बिलीव टू हैव बीन रिटन इन बिफोर 1597 द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड इन द प्ले. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33, शेक्सपियर्स सोनेट हैव फॉलोइंग फीचर. क्या क्या, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. कौन कौन से फीचर्स हैं शेक्सपियर के सोनेट में, ये आपको फाइंड आउट करना है. पहला है, शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, तो डेफिनेटली वन वाला सही है. दूसरा,
सॉनेट फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी, ठीक है? तो ये जो है ये गलत है. जो सॉनेट 1 to 126 है ये किसको एड्रेस किया गया है? टू मिस्टर डब्ल्यू एच, ठीक है? और 127 to 152 किसको एड्रेस है? डार्क लेडी को, ठीक है? सॉनेट 153 to 154 आर लव सॉनेट, ठीक है? ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन हो गया. अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट. ही डेडिकेटेड हिज सम सॉनेट टू हिज पैटर्न अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है? बिल्कुल. द राइम स्कीम ऑफ हिज सॉनेट्स आर क्या है? जनरली ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी. तो ये इसकी राइम स्कीम है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6-line स्टेंजा एंड शो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वीनस एंड एडोनिस. वीनस एंड एडोनिस इज वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर रिटन इन 6-line स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी. वीनस एंड एडोनिस 1593 में आई थी एंड लेप ऑफ ल्यूक्रीज 1594 आर ओनली वर्क ऑफ शेक्सपियर्स सीम्स टू हैव शेफर्डेड थ्रू द प्रिंटिंग प्रोसेस, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 35. द नॉक अबाउट सीन इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ श्रीव एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर आर एग्जाम्पल ऑफ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फार्स. द गिवन शेक्सपियर्स ड्रामा ट्रेमिंग ऑफ श्रीव एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ फार्स. इट इज सच कॉमेडी दैट सीक्स टू एंटरटेन द ऑडियंस थ्रू सिचुएशन, ठीक है? ये फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, मतलब लिटरेरी फॉर्म है फार्स. फार्स का मतलब होता है किसी सिचुएशन के थ्रू कॉमेडी क्रिएट करना, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 36. अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर. फिर मैं बोल रही हूँ कैरेक्टर आप ज़रूर देख लेना, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको कैरेक्टर से मिल जाएंगे, ठीक है? लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये इसमें ब्रियन एंड रोजेलिन है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. अ मिडसमर नाइट ड्रीम बेंडिक एंड बियट्रिक, तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है. ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मच एडू अबाउट नथिंग के कैरेक्टर्स हैं. फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस बेसानियो पोरेशिया, ठीक है? बिल्कुल पोरेशिया कह रहे हैं, पोर्शिया, बेसानियो एंड पोर्शिया ये कैरेक्टर हैं दोनों. एज यू लाइक इट और लैंडो एंड रोजेलिंड ये भी कैरेक्टर सही हैं, एज यू लाइक इट के कैरेक्टर हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि वो है मिड समर नाइट ड्रीम वाला, मतलब ऑप्शन बी. फिर क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर, ठीक है? डज नॉट बिलोंग, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज कौन सा होगा? एज यू लाइक इट, ठीक है? इट डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर. इट बिलोंग टू थर्ड फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर. एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी. इट इज बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599, फर्स्ट पब्लिश इन फर्स्ट फोइलो इन 1623. द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट विल्टन हाउस, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 38. द फर्स्ट फॉयलो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाई, ठीक है? किसके थ्रू? तो ये हो गया हेमिंग एंड कॉन्डेल के थ्रू, आई थिंक सो कि ऑप्शन नंबर डी, ये एक मिनट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, वेट, येस ऑप्शन नंबर डी आई एम करेक्ट. द फर्स्ट फॉयलो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले वॉज एडिटेड बाई,
हेमिंग्स एंड कॉन्डल, ये जो है मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडी करके आई थी, इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ प्ले कॉमनली रिफर्ड टू बाई मॉडर्न स्कॉलर एज द फर्स्ट फॉयलो. तो फर्स्ट फॉयलो को हो सकता है आपसे डायरेक्टली नाम पूछ ले कि क्या नाम से पब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज, 1623 में इसको पब्लिश किया गया था. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 39, Which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज हैमलेट. अदरवाइज कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये सारे रोमन प्ले हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ किसका, द कॉमेडी ऑफ मैनर. ठीक है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है. अब इंग्लिश लिटरेचर में टर्म कॉमेडी ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स अ जॉनर ऑफ रियलिस्टिक सटारिकल कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड दैट क्वेश्चंस एंड कॉमेंट अपॉन द मैनर एंड सोशल कन्वेंशन ऑफ अ ग्रेटली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी. तो कॉमेडी ऑफ मैनर बेसिकली जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ, और ये जो है ये एक सटारिकल कॉमेडी होती है जो कि जो आर्टिफिशियल सोफिस्टिकेटेड हायर सोसाइटी या अपर क्लास सोसाइटी के रहन सहन, उनके पहनावे, उनके मैनर्स ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग जो उनसे रिलेटेड है, उनका रहन सहन पे एक क्रिटिसिज्म होता है. ठीक है, कि ये रियल नहीं है, दे आर फेकिंग इट, और उसी फेकनेस को ये क्रिटिसाइज करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर में. ठीक है, तो ये एक जॉनरा है ऑफ रियलिस्टिक नेचर का जॉनरा है जो कि सटायर करता है मैनर पे, सोशल कन्वेंशन पे, उनके कपड़ों पे, उनके बात करने के हाव भाव पे. तो एक तरीके का ये कटाक्ष है, आर्टिफिशियलनेस पे कटाक्ष है. ठीक है, मतलब क्रिटिसिज्म होता है, सटायर होता है. तो उसी तरीके का सटायर जो है कॉमेडी ऑफ मैनर आपको लव्स लेबर्स लॉस्ट में भी दिखेगी, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 41, इन द फर्स्ट फॉयलो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड, किस प्ले को हटा दिया गया था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेरिलिसस. ठीक है, पेरिसिलस को हटा दिया गया था, पेरिसिलस को फर्स्ट फॉयलो से ओमिट कर दिया गया था. तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माय इन्वेंशन, या फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेनिस एंड एडोनिस. ये देखिए पीजीटी 21, टीजीटी 16, यूपी पीजीटी 2022 कह रहे हैं, 2002 में भी, 2022 में भी आ जाए. तो येस, द वर्क वेनस एंड एडोनिस हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन. शेक्सपियर वांट टू से थ्रू दिस फ्रेज दैट ही रोट इट बाय हिमसेल्फ एंड एज हिमसेल्फ. वीनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1593. इट वॉज रिटन इन द स्टेंजा ऑफ सिक्स लाइन ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर. राइम क्या है, ए बी ए बी सी सी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं. द कैरेक्टर ओफीलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, किसमें, हैमलेट में. ठीक है, गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की मदर है, ओफीलिया जो है वो हैमलेट की लवर है. ओफीलिया की ड्राउनिंग की वजह से मौत हो जाती है, शी वॉज टोटली मेंटली डिस्टर्ब्ड, और उसी का है ये, मतलब ये दोनों कैरेक्टर जो है वो हैमलेट से हैं. ठीक है, फोर ट्रेजडी जो है उसको पब्लिकेशन के ऑर्डर से अगर आप याद करें तो यहाँ ट्रिक भी दिया है, होकम, एच ओ के एम, दैट इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. इसी क्रोनोलॉजी में इसको पब्लिश भी किया गया था, क्रोनोलॉजी इसका यही है. फिर क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरेक्टर. देखिए ये फिर वही पूछ दिया है आपसे, मच अडू अबाउट नथिंग, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट ऑप्शंस. ठीक है,
सो मच अडू अबाउट नथिंग डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ विलियम शेक्सपियर्स करियर. मच अडू अबाउट नथिंग 1598-99 में ये आई थी और इज अ कॉमेडी. ये कॉमेडी है इन अ फाइव एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर और प्रिंटेड इन अ क्वार्टरो एडिशन फ्रॉम द ऑथर ओन मैन्यूस्क्रिप्ट इन 1600. द प्ले टेक्स द एंशियंट थीम दैट अ वुमन of falsely accused of unfaithfulness to brilliant comedy comedic height. ठीक है, ये उसकी थीम है. फिर क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइन्स, क्या है, फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनबर्ड एरा यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर्स डेड. तो ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है. द लाइन फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनबर्ड, ठीक है, एरा यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड इज रिटन बाई विलियम शेक्सपियर. इट इज सॉनेट नंबर 104 एंड मेंबर ऑफ द फेयर यूथ सीक्वेंस इन विच द पोइट एक्सप्रेस हिज लव टूवर्ड्स द यंग मैन. ठीक, अब 46 है. लिंसेंडर इज अ कैरेक्टर इन, तो ये कौन सा कैरेक्टर है, ये मिड समर नाइट ड्रीम में ये कैरेक्टर है और ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं. इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम्स, तो ये आएगा अर्ली कॉमेडी में. ठीक है, ये फाइव एक्ट का प्ले है. 1623 में इसको पब्लिश किया गया था. इट इज़ अ पेस्टोरल स्टोरी अबाउट टू यंग फ्रेंड्स हु ट्रेवल टू मिलान वेयर दे आर एडुकेटेड इन अ कोर्टली बिहेवियर और दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो किस तरीके से फाइट करते हैं और फिर जूलिया किस तरीके से आके एक को अपना इजहार करती है, इंतज़ार कर रही होती है. तो ये सब कुल मिला के टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से ये अर्ली कॉमेडी में आएगा. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, द कैरेक्टर, फिर ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है और ये TGT का क्वेश्चन है. ठीक है, ये PGT के पेपर में भी आया था और TGT के भी पेपर में आया है कि ये किसके कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं बेट्रिक एंड बेनेडिक, ये दोनों कैरेक्टर मच अडू अबाउट नथिंग से हैं. तो एटलीस्ट आप कैरेक्टर्स तो याद कर ही लीजिए. देखिए नहीं नहीं मैं आपके पास, हमको लगता है कि 6-7-8 क्वेश्चन आपको कैरेक्टर्स के मिल गए हैं. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जोनस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रीन. क्रिटिसिज्म जो है वो कुल मिला के या अटैक जो है वो रॉबर्ट ग्रीन ने ज़्यादा किया है और वो कहते थे जोनेसिस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और ये इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट जिसमें इन्होंने अपस्टार्ट क्रो भी कहा है और ये क्रिटिसिज्म जो है क्रिटिसिज्म था ये शेक्सपियर के ऊपर. फिर क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ रिटन द लाइन टू विट टू वू अ मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डॉथ नील द पॉट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर और ये जो है लव्स लेबर्स लॉस्ट से लिया गया है, उसमें उस प्ले में इसको लिखा गया है. तो यस, अब इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है आज यहीं ख़त्म करते हैं. काफ़ी लंबा हो गया, 50 क्वेश्चन मैंने दे दिया और अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें आज विलियम शेक्सपियर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में वो सब आपको मिल जाएंगे. अगर इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर इस बुक में गलत दिया हुआ है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको उसका करेक्ट आंसर दे दूंगी और
ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और अगर इसमें कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वो भी क्वेश्चन आप मुझे लिख के बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि उसका डाउट मैं आपको सॉल्व कर दूं। और अगर और भी किसी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है कि कैसे तैयारी, कौन सी बुक, तो अगर आप कहोगे तो इस बुक का जो, जिस बुक से मैंने ये डाला है, वो बुक की आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या कमेंट में मैं डाल दूंगी, तो उससे आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं। एक दो और किताब मैंने मंगाया है, अगर मैं उसको गो थ्रू करूँगी, अगर वो बुक मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी कि नहीं वो आपको बताने लायक है, तभी मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ क्यों आप बिना मतलब पैसा लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको गो थ्रू कर लेती हूँ, अगर वो बुक्स अच्छी रहती हैं देखने में और पढ़ने में तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी कि आप वो बुक भी लेके आप उसकी तैयारी, पीजीटी टीजीटी की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ आप इसमें इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डू दैट, एंड देखते हैं क्या और किया जा सकता है आपके लिए फॉर पीजीटी टीजीटी स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका आज विलियम शेक्सपियर के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं बस जल्दी आपको भेजने वाली हूँ, अभी कुछ ही देर बाद आपको फिर वो भी वीडियो अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आज विलियम शेक्सपियर ख़त्म हो जाएंगे, फिर कल देखते हैं दूसरा ऑथर उठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप ग्रामर बोलोगे तो मैं ग्रामर भी आपको करा दूंगी, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।